गाइस कल ना मैंने एक जेबी का एक्स स्टूडेंट मेरे को मिलने आया था 2019 बैच का कमल दादा थाने दा, में कोई था उस दिन जो थानों ने थाने में जिसने उसका अटेंड किया था सो दैट केम एक्चुअली फॉर द एडमिशन ऑफ हिज सिस्टर सर मैं अपनी सिस्टर की एडमिशन के लिए था हाँ खुशबू थी वहाँ पे मंजीत था वहाँ पे क्लास में यस तो एडमिशन ले आया था तो मैंने बार बात की क्या रहा था जिंदगी झंड है काम ये वो ओके okay. तो मैंने उसको बोला कि यार एक बार ना स्टेज पे आके मैं स्टेज मतलब सबके से बात कर लो जस्ट फाइव मिनट्स पब्लिक को मोटिवेट कर दो तो भाई पांच मिनट जब आपके उसने स्पीच दिया ना पांच मिनट के बाद जब वो बाहर आया तो हर बच्चा उसके पास जाके सर आपने कैसे पढ़ा सर आपने ये कैसे किया सर आपने वो कैसे किया दिस इज द बिगेस्ट एडवांटेज ऑफ डूइंग योर एम बी फ्रॉम अ गुड कॉलेज तुम वैसे के वैसे ही हो तुम में कोई चीज नहीं आया बट पीपल क्रिएट अल अराउंड यू कि सर पहले तो सर इमेजिन यार शल गीत खुशबू तुम्हारी घर पे सोसाइटी में कितनी इज्जत है मुझे पता है ठीक है तुम्हें भी पता है ओके द मूमेंट यू ज्वाइन अ बी स्कूल द मूमेंट यू ज्वाइन द टॉप बी स्कूल रातों रात सर गजब इज्जत फाइन दिस इज वन द बिग और जितना बड़ा कॉलेज उतनी ज्यादा इज्जत एक बार तुम मेहनत कर लो यार इफ यू यूर टॉप कॉलेज ट्रस्ट मी और रोज रोज मतलब रोज तुम्हारे फ्रेंड्स तुम्हारे पापा के फ्रेंड्स पापा के फ्रेंड्स के बच्चे वो आके पूछेंगे कि दीदी कैसे तैयारी किया भैया कैसे तैयारी किया एंड ट्रस्ट मी एवरी डेट इज द बिगेस्ट मोटिवेशन यू कैन है रोल मॉडल शुरू शुरू में तो यार मैं, यार तुम तुम्हारे में क्या चेंज आएगा यार तुषार तुम खुद सोचो यार तुषार पांडे तुषार दो साल अगर तुम एम कॉलेज अभी तुम हमारी कहें पता है दो साल अंदर आ जाने के बाद तुम वही रहोगे यार दर इज नो चेंज इन योर यू एज अ पर्सन फाइन के ओ माई गॉड आई मीन जबलाल बजाज ओ माई गॉड आई मीन आई एम अहमदाबाद तेरी फटी पड़ी है क्योंकि जॉब मिलेगी नहीं मिलेगी वो टेंशन है आर यू गेटिंग मी आई एम अहमदाबाद में जाके बिफोर यू रियलाइज के आई एम इन आई एम अहमदाबाद अब मैं झुकेगा नहीं ठीक है द मोमेंट यू गो आपको वहां जाके बता दिया जाता है कि बेटा अब तू ये सोच कि अगर तुझे जॉब ना मिला तो तेरा क्या होगा <laughs> तीस लाख तेरे कौन भरेगा डैडी भरेंगे तेरे तीस लाख है बेटा तो उसके <laughs> अगला दो महीना बेचारा दो साल वो यही सोचता है कैसे निकालेंगे अपन वैसे ही वैसे रहते हैं लेकिन पब्लिक इतना तुम्हें मोटिवेट कर देगा इतना तुम्हें वो कर देगा कि यूट देट यू और हमें अच्छे कॉलेज में जाना है टू हैव दैट तीस लाख नहीं तीस लाते देंगे तीस लाखों में क्या होगा भैया तीस लाते तो कुछ भी नहीं है सो लेट्स वर्क हार्ड लेट्स कन्वर्ट अ टॉप कॉलेज सो दैट पब्लिक आके तुम्हें तुमसे बात करे टू बिकम द रोल मॉडल फॉर एवरी वन I'm sure, यार वो बंदे ने पांच मिनट स्पीच दिया और बड़ी नॉर्मल नौ, स्पीच दिया कि मैंने तो अच्छे से इंजीनियरिंग में नहीं किया था मैं तो गिरते पटकते एम बी कॉलेज पहुंच गया लेकिन स्टिल दैट पीपल विल कंसिडर ही मेरा रोल मॉडल मंजीत वो मैं नहीं बताऊंगा ना यार कैमरे पे सब नहीं बोलूंगा कल को उसका फोन आ जाएगा सर आपने मेरा इतना बदनामी कर दी ठीक है ऑल द बेस्ट